Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों आज है 1 जनवरी और अभी तक दो ब्लॉग में ना हमने कि मिस्टर हमको बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिए, इसलिए हम अभी तक शांत थे और वो अभी गए हैं मार्केट। उनको भी पता नहीं कर्टन वगैरह और रजाई लाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। और आज 1 जनवरी है तो हमने सोचा इसको स्पेशल बनाते हैं। अभी तक हमने लंच नहीं बनाया क्योंकि हमें जाना था बाहर और देखते हैं कब तक मिस्टर आज आएंगे। फिर से हम जाएंगे बाहर। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, क्या बताएं, इतनी ठंड है ना कि एकदम जैसे लद्दाख हम गए थे ना, बिल्कुल वैसा ठंड है। तो ये हमारा ब्लॉग देख के ना सब लोग सोचेंगे यार यार इतना हिलते डुलते क्यों है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसे थोड़ी आदत हो गई है। तो सबसे बात कर लिया था हमने मम्मी से, अभी तक अपने मम्मी से बात नहीं की क्योंकि हमने कॉल किया था, तो फिर वो मम्मी कॉल नहीं उठाई, फिर मम्मी कॉल की थी तो हम बिजी थे क्योंकि हम भी अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, तो हम वो वाला फ़ोन नहीं देख पा रहे। अभी आज आप लोग देख सकते हैं आज हमने ये वाला कलर ड्रेस वेयर किया हुआ जो कि काफ़ी प्रेटी लग रहा है, और ये ना होली के टाइम ज़्यादा सुंदर लगता, बट आज था 1 जनवरी और इसको हमने लिया था कि हम जाएंगे। हम लोग का ये 1 जनवरी ना बहुत स्पेशल होने वाला था क्योंकि आज के दिन हम लोग अभी कश्मीर में रहते, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए किसी रीजन से, बट ज़रूर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे और अभी पूरी फैमिली आएगी ना, तो हमको लगता है सबके साथ जाएंगे। तो आज बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे सबसे बात करके, सबको अच्छा लगा है। और सच में रंजना मतलब क्या ही बताया, वो उसके आने से ना सच में घर बहुत ही अच्छा फील होता है घर में, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब जो होता है ना वो आ गया है ऐसा लगता है। और लगता क्या है, आप लोग देख भी रहे हैं कितना मज़ा आता है, सारी फैमिली हम लोग मिलजुल के इतना मस्त मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। बाकी हमने पापा जी को भी विश कर दिया, अभी तक अपने पापा को विश नहीं किए हैं। और मम्मी से, मम्मी का कॉल आया था बस हैप्पी न्यू ईयर, मम्मी बोली तब तक मैंने बोला कि मम्मी शूट करें करते हैं थोड़ी देर में, फिर बात नहीं हुई, तो अभी अपने मम्मी से बात कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मिस्टर आज क्या लेके आएंगे ना, हम बोलें कि जा रहे हैं ना तो पूरा शॉपिंग करके आइएगा, तो वो शॉपिंग करके आएंगे तो फिर आप लोगों से सारा शेयर करेंगे। और ये हमारा क्लिप कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना, ये क्लिप मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मेरे भैया जो है ना कृष्णा भैया वो लिए हुए थे, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बने रहिए आप लोग। ये गाइस तो अभी मम्मी को फ़ोन किए हैं और मम्मी से अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे है मम्मी तो थोड़ा बात कर ले। देखिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ये है मम्मी, कुछ नहीं अभी तो बैठे हैं, अभी तो लंच भी नहीं बनाए हैं, खाली अभी नाश्ता किए हैं, जाना था बाहर, अभी ये कंबल खरीदने चले गए हैं। लेट से नहीं, अभी जाएंगे लो बाहर, वो भी नहीं नाश्ता किए हैं, वो तो खाली पुआ खाए हैं बस। क्या कर रही हैं? बना रहे हैं खाना। अच्छा अभी तो खाना ही बन रहा है। नहीं रात के लिए टाइम है, वही आए हैं, पापा बोले बनाने के लिए, तो मैं लाइन बना देता नहीं, लग रहा है लिए हम तो बना रहती है ना। हाँ दिन में बन जाएगा, अब तो शाम हो ही गया है, 5 बजने वाला है। और सब ठीक है? इस तो अभी आ गए हैं किचन में और आज बना रहे हैं नमकीन चावल, क्योंकि बाहर जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और बाहर पूरा अंधेरा भी हो रहा है। ये गाइस तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाजर का हलवा है और यहाँ एकदम मस्त, आज कुछ अलग स्पेशल बना रहे हैं, वैसे नमकीन चावल ये नहीं है, दूसरा है। ये है बाहर, और बाहर पूरा कपड़ा वगैरह डाला हुआ है, पता नहीं मिस्टर आज क्या क्या मंगवाए हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट लोग अब आएंगे ना भाई साहब, फिर से मुझे लग रहा है सोफ़ा उन्होंने खरीद लिया। रज गए हैं, मेरे को लगा कि हम लोग जाएंगे बाहर, बट वो काफ़ी टाइम से गए हुए हैं, बहुत सारा काम होगा, अभी चलते हैं। पूजा दी का कॉल आया हुआ है अभी, और अभी उनसे बात करते हैं, पहले तो नंबर नहीं दिखाएंगे, पर सोच रहे हैं वीडियो कॉल ही करें। अभी कॉल कर रहे हैं, नाम देख सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर, क्या हाल है? आज भी है ट्यूशन?
मतलब अभी आया था तो छूट ही गया था, तो नहीं जा रहा था, अब जाएगा आज से फिर। बुक ढूंढ रहे थे, मिल गया, उसको भेजते हैं थोड़ा। Hey guys, तो अभी हो गया है रात और फाइनली आज का दिन कितने लोगों के लिए खास रहा आप लोग ज़रूर कमेंट करना। आज का दिन हमारा सबसे ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि एक ही जगह घर में बैठना था और अच्छा नहीं लगा था आज। बस देखते हैं कल का दिन ऐसा ना हो बस, और कुछ नहीं खाना पीना। अभी हमने इतनी टाइम लंच किया हुआ है क्योंकि लंच में भी काफ़ी लेट हो गया था और यहाँ पे गाजर का हलवा पड़ा हुआ है, तो अभी मूवी वगैरह देख के सो जाएंगे। बहुत लोग इस टाइम पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी आज करते हैं और इस नए साल को एकदम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बट हम भी आज सोचे हुए थे कि कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आज मिस्टर राज को बहुत इम्पोर्टेंट काम रह गया था जो कि उसको आज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनको आज अभी कॉल पे कॉल भी आ रहा है सबका, लेकिन बात करने का भी दिल नहीं कर रहा है क्योंकि सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मिस्टर राज भी आज गया था क्योंकि गेस्ट लोग आने वाले हैं तो उनका मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइड से गेम का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि गेम अभी मिस्टर राज खेल रहा है। तो बस अभी सबसे बात बात तो आज नहीं कर पाए, लेकिन कल सबसे बात करेंगे। बाकी घर पे तो बात हो गया है मम्मी से और फ्रेंड सबसे बात हुआ नहीं है, मैसेज से ही बात की है, तो वो सबसे कल बात करेंगे। अब आज हमने बनाया हुआ था खाने में, सुबह में बस पूरी सब्जी और शाम के टाइम हमने नमकीन चावल बनाया हुआ था, तो सिंपल सा मस्त मज़ा आ गया और मेरे को तो अपने हाथ का अच्छा भी लगता है। आज कोई मूवी वगैरह भी नहीं आया है इसलिए मन नहीं किया जाने का, सोचे थे मूवी वगैरह भी देखने जाएंगे पर काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मिस्टर राज भी गए थे तो आए 6:30 बजे तक, इसलिए 6:30 बजे के बाद जाने का मन भी नहीं क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा बढ़ गया यहाँ और ठंड में जाना सही भी नहीं है। बाहर इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसलिए हम सोचे नहीं भाई घर पे ही रहो, अपना मस्त मूवी वगैरह देखो और फिर सो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ना जब से आए हैं सिवान से तो हमारा नींद 10 बजे कभी 11 बजे कभी कभी सुबह में खुलता भी है तो हम खुद सो जाते तो ऐसा हो गया हमारा टाइम टेबल बहुत बेकार सा हो गया, तो इसको भी अब चेंज करना है, इस नए साल में थोड़ा सा अलग करेंगे। बस आज बात भी हुआ और अभी तो पूजा जी से भी बात किए थे लेकिन लड्डू से भी बात नहीं कर पाए क्योंकि जब फ़ोन किए थे तो लड्डू गए हुए थे, लड्डू को जाना था ट्यूशन। एंड पूजा जी का भी कॉल आया था बट उस टाइम मेरे फ़ोन पे ना पता नहीं किसी का पहला कॉल आता है तो दिखता ही नहीं है, दूसरी बार जब कॉल आता है तब आवाज़ भी होता है और सुनाई भी देता है। बस रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कल मिस्टर राज सुबह सुबह व्लॉग में दिखाएंगे कि वो क्या क्या आज सारे गेस्ट लोग के लिए मैनेज किए हैं, क्या क्या लेके आए हैं, तो वो सारा कुछ कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय बाय, लव यू ऑल।